सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है सन 2024 में धनु मलमास कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। एक वर्ष में सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करता है। प्रत्येक राशि में सूर्य लगभग एक मास तक रहता है और एक मास के बाद दूसरी राशि में गमन करता है, यानी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चला जाता है। सूर्य की इस राशि परिवर्तन की प्रक्रिया को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एक वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती है। धनु संक्रांति भी उन 12 संक्रांतियों में से एक है। जब सूर्य वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में चला जाता है तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन धनु संक्रांति कहलाता है। सूर्य के धनु राशि में रहने की इस एक मास की अवधि को धनु मलमास या खरमास कहा जाता है। इस वर्ष यानी सन 2024 में दिनांक 15 दिसंबर 2024 रविवार को रात्रि में 11:22 से सूर्य वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेगा। अतः इस दिन से ही धनु मलमास शुरू हो जाएगा और दिनांक 14 जनवरी 2025 मंगलवार को सुबह 8:56 पर सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही धनु मलमास की अवधि समाप्त हो जाएगी। धनु मलमास को अशुभ काल माना जाता है, इसलिए इस एक माह की अवधि में विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यदि आप इन सब के बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं।